आज फिल्में, नेटफ्लिक्स पे सीरीज, यूट्यूब पे वीडियोस, रील्स, कॉलेज के पेपर्स, ब्रॉडकास्टर्स के एनालिसिस, ये वीडियो और प्रोफेसर की चोरी, सभी में रिसर्च लगती है। लेकिन रिसर्च करने से पहले चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 20 सेकंड के लिए सोचो, आप 45 साल के हो और एक बच्चे से पूछ रहे हो कि बेटा तू क्या करता है, अच्छा ये कैसे करता है, क्या ये सही है, सैलरी कितनी है तेरी। अब इन 20 सेकंड्स को याद रखना आगे की वीडियो के लिए। रिसर्च तो हम कर लेंगे, लेकिन किस पे टॉपिक का आइडिया ढूंढना भी तो जरूरी है। इसके अलावा कभी आपने सोचा है कि बाथरूम में ही हमें आइडियाज क्यों आते हैं? सिंपल रीजन है, उस समय हम रिलैक्स मोड में होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रहती है, लेकिन आप उस समय सोच नहीं रहे होते, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को एक इनसाइट भेजता है। और 1 से 4 सेकंड के बीच में जब आपके सर पे पानी की बूंदे गिरती हैं, तो आपका ब्रेन ब्लिंक होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और उस 1 सेकंड के रिफ्रेशर के बाद ही आपको इनसाइट्स मिलते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से, और आपके कॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि हाँ यार, ये सही था। अब आती है रिसर्च की बारी, और 2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ध्रुव राठी का ये लेटेस्ट वीडियो जो प्रोजेक्ट चीता के ऊपर है, और दूसरा हम खुद अपनी एक रिसर्च करेंगे प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, सितंबर 2022, नामीबिया देश से 8 अफ्रीकन चीता इंडिया में लाए जाते हैं। इसके कुछ ही महीने बाद फरवरी 2023 12 और अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाया जाता है, इस बार साउथ अफ्रीका देश से। रिसर्च करने का पहला रूल यही कहता है कि आपको बेसिक और जनरल नॉलेज की तरफ पहले जाना चाहिए, जिसको आप एक बार सर्च रिजल्ट्स पे सर्च करें और आपको पहले ही पेज में उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएं। वो जनरल इंफॉर्मेशन का पहला सोर्स आपको पाना जरूरी होता है। जैसे इस प्रोजेक्ट चीता में उसकी डेट्स, नंबर्स, उसकी वजह क्या थी, जिसके लिए आप 4W1H फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है वो मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका पहला फॉर्मूला यही होता है रिसर्च करने का, 4W1H। क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, ऐसी सब बात करनी हो ना तो हमें आपसे बात नहीं करनी है। ये सवाल आपको पूछने जरूरी है जो भी टॉपिक है। और इन बेसिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हुए आप एक लेवल डीप में जाएंगे अपनी रिसर्च के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर देती है साल 1952 में। क्या हुआ इन 300 सालों में कि चीता पूरी तरीके से खत्म हो गए देश से? प्रोजेक्ट चीता एक हेडिंग है। आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, प्रोजेक्ट चीता चालू क्यों किया गया। अब ये आपकी एक रिसर्च का सब हेडिंग बन चुका है, या आप क्वेश्चन भी इसे मान सकते हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, तभी आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ, प्रोजेक्ट चीता चालू इसलिए हुआ क्योंकि चीता कम हो गए थे, लेकिन क्यों हुए, कैसे हुए, और उसके ऊपर आपको कई आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। हाँ, शायद आपको पढ़ना पड़े, लेकिन अगर नहीं पढ़ना तो जेनी आयो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप उनकी लिंक पेस्ट करके उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो पहला सवाल था प्रोजेक्ट चीता क्या है, उसके अंदर एक और सवाल निकल के आया कि ये प्रोजेक्ट चीता चालू क्यों हुआ, फिर उसके अंदर एक और सवाल निकल के आया चीता कम क्यों हुए, फिर जो आखिरी सवाल है उसके ऊपर भी ये फॉर्मूला लगा के आप और सवाल बनाएंगे, जैसे चीता की आबादी कम क्यों होने लगी, चीता कहां से कम होने लगे, चीता पहले कितने थे जहां हम आज इसे कम कह रहे हैं। मैं जानता हूं रिसर्च अपने आप में एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है और एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने नोटिस किया कि सिर्फ 1 मिनट में आपने प्रोजेक्ट चीता के ऊपर 6 सवाल ढूंढ निकाले, जिसके आपको आंसर्स मिलेंगे अगर आप सर्च करेंगे तो। अगर आपको और डीप जाना है तो और सवाल बनाने पड़ेंगे, आपको सर्च रिजल्ट्स के पेजेस को और ज्यादा स्क्रॉल और नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं उसके अंदर एक और क्वेश्चन आपको और डीप में ले जाएगा। डिपेंड करता है आप कहां तक जाना चाहते हैं। जैसे इस वीडियो में इन्होंने रीजंस को अपना क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहला कारण हंटिंग है। चीता कम क्यों है, उसके 2 रीजंस, और उस रीजन के अंदर भी उन्होंने क्वेश्चंस को ढूंढा है, जैसे हंटिंग और हैबिटेट लॉस क्यों हुए, कैसे हुए, कब से चालू हुए और उसके आगे क्या हुआ। याद है ना वो 20 सेकंड? आपको लगता होगा यार इतना सर्च कौन करेगा यार, कहां-कहां के आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 80% चीजें आपको पहले ही सर्च पेज में देखने को मिल जाती है। लेकिन एक और चीज है जिसका आज क्रिएटर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम जैसे भी, इन जैसे भी, इन जैसे भी, सब जैसे भी, जो रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, उनका एक तरीका रहता है कि
टेम्पलेट बना लीजिए, जिससे आपका रिसर्च टाइम तो घटता ही है बल्कि आपको वो चीजें भी पता चल जाती हैं जो किसी ने सोची भी ना हो। वो टेम्पलेट बड़ा सिंपल है यार। जो आप टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री है, बुक है, ई बुक है, या किसी पत्रकार ने उसके बारे में कभी लिखा है? क्या इस टॉपिक पे कोई रिसर्च पहले पब्लिश हुई थी, कब हुई थी? तो क्रिएटर्स पहले ही एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि हमें पहले इन चीजों को सर्च आउट करना है कि ये टॉपिक इन चीजों में है कि नहीं है। यहाँ तक कि रील्स और शॉर्ट्स भी अब इस टेम्पलेट में जुड़ चुके हैं, और ये टेम्पलेट जो है वो आगे जाके आपकी स्टोरी से मैच करता है, जिससे आप इसे मोनेटाइज करते हैं। वो आगे हम समझेंगे कैसे। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4W1H, तो आपकी आधी रिसर्च वहीं खत्म हो जाती है। अब हम खुद का अपना एग्जांपल लेके चलते हैं। हम जब भी वीडियोस बनाते हैं, हम पहला रिसर्च टॉपिक जो पकड़ते हैं वो है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, जो हमें कॉम्पिटिटर्स की वीडियोस से पता चलता है। अगर आप क्रिएटर हैं या बनना चाहते हैं, तो आपको कीवर्ड्स के साथ खेलना पड़ेगा रिसर्च के लिए। एग्जांपल के तौर पे vidIQ जैसे टूल्स जो हैं, वो आपको AI की मदद से आपके चैनल के हिसाब से क्या टॉपिक सबसे बेस्ट रहेंगे उसके आइडियाज तो देते ही हैं, लेकिन उस पे रिसर्च करने के लिए भी आपको vidIQ पे कीवर्ड रिसर्च टूल मिलता है, जहां पर आपको पता चलता है कि यार यहां पर कितना ट्रैफिक है। हम तो यार रिसर्च की बात कर रहे थे ना, ये SEO कहां से आ गया? खैर, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि क्या ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं ये लोगों की काम की है भी कि नहीं, उसमें ये टूल्स काम आते हैं। लेकिन हमने क्वेश्चंस की बात करी, लेकिन कौन से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं लोगों से, वो तो पता ही नहीं यार हमें। लोग क्या सोच रहे हैं हम कैसे पता करें, वो क्या सर्च करते हैं हम कैसे पता करें, वो कैसे टिकट बुक करते हैं हम कैसे पता करें? उसके लिए मैं आपको दो टूल्स बताता हूँ जो आपके क्वेश्चंस को भी फाइंड करने में मदद करेगा। पहला वेबसाइट है ऑल्सो आस्क, जहाँ पर आप कीवर्ड डालते हैं और आपको उस कीवर्ड के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो लोग सर्च करते हैं। और इसके अलावा आंसर द पब्लिक, वहाँ पर आपको हर वो सवाल मिल जाएगा जो लोगों ने उस कीवर्ड के रिलेटेड पूछे होंगे सबसे ज्यादा। हाँ, आप 3 बार फ्री इसको चला सकते हैं दिन के अंदर, और हर दिन ये रिन्यू होता रहता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता को डाला, और इन प्लेटफॉर्म्स ने मुझे प्रोजेक्ट चीता के रिलेटेड हर वो क्वेश्चन दे दिया जो लोग पूछते हैं, और अब मैं इन सवालों को रिसर्च करके मजे कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर मुझसे पूछें कि बेस्ट रिसर्च कौन सी है और कौन सा ऐसा तरीका है सबसे बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, तो वो है प्राइमरी डेटा रिसर्च। हमने जितनी भी रिसर्चेस की अभी बात करी, वो सेकेंडरी डेटा बेस्ड होते हैं। रिसर्च को 10 times से लेकर 100 times तक वैल्यूएबल बनाना है, तो आपको प्राइमरी डेटा रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। हिंडनबर्ग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का यूज करता है, और उनका सबसे ज्यादा खर्चा आज प्राइमरी डेटा रिसर्च पे लगता है। इसलिए लोग प्रिफर करते हैं कि यार जब पहले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो उसमें से इनसाइट्स निकाल के हम अपना रिसर्च कर लें। लेकिन खुद जाके रिसर्च करना ऑन द फील्ड वो महंगा पड़ता है लोगों को, लेकिन वो बेस्ट होता है कोई भी रिसर्च करने के लिए। वॉक्स मीडिया ये बहुत सालों से करता आ रहा है, और यूट्यूब पे आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं कि वो ये प्राइमरी डेटा रिसर्च कैसे करते हैं सेकेंडरी के साथ मिलके। आप में से कितने लोग मंकी मैजिक यूट्यूब चैनल को जानते हैं? दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक व्लॉग चैनल है, लेकिन पास जाके देखोगे तो ये तो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और आप देख ही रहे हो कैसा इसका एंगेजमेंट रहता है, और ये बहुत ज्यादा आपको नॉलेज भी गेन कराता है। लेकिन नॉलेज से याद आया यार, रिसर्च में एक पार्ट नॉलेज का भी होता है। अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज है तो आपकी रिसर्च टाइम जो है और कम होगी, और आप बेहतर रिसर्च कर सकेंगे। अब आते हैं हम इस रिसर्च को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। 2017 के बाद रिसर्च टॉपिक्स को मेनली कंटेंट में ही बांट दिया गया, जहां प्रोफेशनल रिसर्चिंग में आज भी डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स, एक्सेल शीट्स में रखा जाता है, और इस डेटा को, इस रिसर्च को भेज दिया जाता है मीडिया कंपनीज को, और फिर ये दुनिया भर में फैल जाती है। ये भी एक तरीका है मोनेटाइजेशन का, लेकिन ये प्रोफेशनल रिसर्चिंग फर्म्स ही करती हैं। एग्जांपल के तौर पे आप हिंडनबर्ग को मान सकते हैं, लेकिन यार हम तो बिगनर हैं और नई जनरेशन के हैं। इतने रिसर्च पेपर्स, हम एक्सेल शीट्स बना तो सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल होगी? शायद हाँ, अगर आप एक फर्म है तो। लेकिन अगर हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं? तो उसका पहला तरीका आता है कंटेंट, यानी कि वीडियोस, ऑडियोस और ब्लॉग्स, और सिंपल ब्लॉग्स नहीं, न्यूज़लेटर्स। इंडिया की आज रैंक नंबर 1 है ऑनलाइन रीडिंग्स के ऊपर, और न्यूज़लेटर उसका एक मेन बिजनेस बन जाता है। और आप देख रहे होंगे बहुत से क्रिएटर्स ने आजकल न्यूज़लेटर्स भी चालू किए हैं, जहां पर एक सिंपल ब्लॉग वेबसाइट आपको एडसेंस से पैसे कमा के दे सकते हैं, लेकिन न्यूज़लेटर्स आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मोनेटाइजेशन फीचर्स देता है, और ये पर्सनलाइज्ड भी होते हैं, तो लोग इसे पसंद भी करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको यूट्यूब का एक एक हैक जानना है या
या ये चीजें कैसे काम करती है, अंदर एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, कौन सा टाइटल सबसे बेस्ट है, थंबनेल की ऐसी तैसी, आराम से भाई, और कैसे इमोशंस की मदद से व्यूज को बढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर एक न्यूज़लेटर कंपनी क्रिएटर हुक्स बहुत सालों से न्यूज़लेटर्स बनाती है और बहुत वैल्यूएबल न्यूज़लेटर्स होते हैं वो, और वहां से वो मिलियन डॉलर्स जनरेट करते हैं। दूसरा तरीका आता है पब्लिशिंग का, आप अपनी रिसर्च को बुक्स के अंदर पब्लिश करते हैं। और तीसरा आता है जैसे मैंने आपको बताया खुद की फर्म। राम सेतु फिल्म देखी हो तो ये सीन जरूर याद होगा। तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु। इन तरीकों के अलावा एक स्किल और है जो आपको रिसर्च में मदद कर सकती है, अगर आप उसको मास्टर कर लें और इसके साथ जोड़ दें तो आपके मोनेटाइजेशन के दरवाजे जो हैं वो एक नहीं 10 खुल जाते हैं, वो है स्टोरी टेलिंग। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कुछ कैटेगरीज बताए थे आपको, आज फिल्में, नेटफ्लिक्स पे सीरीज, यूट्यूब पे वीडियोस, रील्स, ये सब स्टोरी टेलिंग और रिसर्च से मिलियन डॉलर तो बना देते हैं, लेकिन क्लिक कर देते हैं लेफ्ट वाली वीडियो को ताकि पता चल जाए 15 साल के बच्चे कैसे करोड़पति बन रहे हैं, और राइट वाली वीडियो क्लिक करते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।